नमस्ते विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ में हूँ स्वर संधि लेकर। कल हमने पढ़ा था संधि के बारे में, संधि की परिभाषा और संधि के भेदों के नाम। संधि के भेद जैसे तीन थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें स्वर संधि के भेदों के नाम भी पढ़े थे हमने, और व्यंजन संधि के और विसर्ग संधि के। आज देखिएगा, हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि की परिभाषा देखिएगा। सबसे पहले क्या है, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। संधि की परिभाषा थी, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। और स्वर संधि की परिभाषा है, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जा स्वर संधि कहा जाता है। अब देखिएगा कैसे स्वर संधि। स्वर संधि में देखिएगा, हमेशा भाई मेल कब होता है, जुड़ते कब है। हम जब संधि करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो एक हमें चिन्ह दिखता है प्लस का, जोड़ का चिन्ह होता है। जोड़ का चिन्ह होता है तो उसके अंदर देखिएगा, उससे पहले क्या वर्ण है और उसके बाद में क्या वर्ण है, वही तो दो आपस में जुड़ते हैं। तो स्वर संधि के अंदर पहले और बाद में दोनों तरफ स्वर होने चाहिए। जैसे शब्द है देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। अब देखिएगा इसके अंदर प्लस से पहले भी वाक्य अंदर क्या है, अस्वर है। इत्युक्ते ये जो है ना भाई, अपने आप में कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता, स्वर होता है उसके अंदर। तो यहां पर ये जो व है वो पूरा है, इसीलिए इसके अंदर अस्वर है और यहां पर आ स्वर है। तो यहां पर आ और आ मिल करके आ बन जाता है और यहां पर शब्द बन जाता है, जैसे देवालय, देवालय। तो यह देखिएगा स्वर संधि है। स्वर संधि में इत्युक्ते प्लस से पहले भी स्वर होना चाहिए और प्लस के बाद में भी स्वर होना चाहिए। और स्वर कितने, हमारी संस्कृत भाषा में 13 है, उसमें 7 संधियां हैं। अब देखिएगा सबसे पहले हम आते हैं जो संधि का भेद है वो है दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहला ही भेद दीर्घ स्वर संधि में क्या है, देखिएगा दीर्घ स्वर संधि में अकाशावरणीय दीर्घ, अका इत्युक्ते अ ई उ ऋ के बाद में यदि कोई भी समान वर्ण आए तो उनका दीर्घ आदेश होता है। दीर्घ देखिएगा आ और आ दोनों समान स्वर है, ई और बड़ा ई समान है, ऊ और बड़ा ऊ समान है, री और बड़ा री समान है। तो देखिएगा यदि आ और आ के बाद में आ और आ आ जाता है तो उसका आ आदेश हो जाता है, मतलब इन दोनों में जो दीर्घ होता है वो आदेश हो जाता है। ई और ई के बाद में भी ई या बड़ा ई आ जाए तो दीर्घ आदेश हो जाता है, और ऊ के बाद में भी ऊ आ या बड़ा ऊ आए तो दीर्घ आदेश, क्योंकि बड़ा ऊ हो जाता है, और री के बाद में भी री या बड़ा री आए तो बड़ा री आदेश हो जाता है। किस प्रकार से देखिएगा, जब आ के बाद में आ आए, ये हमेशा संधि होती का प्लस से पहले और बाद में, तो आ के बाद में आ आए तो आ आदेश, आ के बाद में यदि आ आए तो भी आ आदेश, और यदि आ के बाद में आ आए तो भी आ आदेश होता है, और आ के बाद में आ आए तो भी आ आदेश होता है। यह नियम है दीर्घ संधि का। इसी प्रकार से ई में होता है, देखिएगा किस प्रकार से। देखिए जैसे सबसे पहला उदाहरण हमारे पास में, मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, राम अवतार है। राम अवतार में क्या है, देखिएगा राम प्लस अवतार, इसका संधि विच्छेद दिया हुआ राम प्लस अवतार। अब देखिएगा राम प्लस अवतार संधि विच्छेद है, इसमें मां के अंदर क्या है, आ स्वर है और इसके बाद में आ है, तो आ और आ मिलकर के क्या बन जाएगा, यहां पर आ बन जाएगा। देखिएगा राम मां के अंदर से आ हमने यहां पर पहले निकाल लिया था और यहां वाला आ भी लिख दिया था, तो आ और आ मिलकर के जैसे ये आ बन गया और आगे बता रहे शब्द, शब्द बन जाएगा रामावतार। राम के अंदर आ जुड़ेगा क्योंकि मां हलन था, इसके अंदर आ जुड़ जाएगा, पूर्ण हो जाएगा और यह अवतार है, आगे जोड़ने से रामावतार शब्द बन जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद में जैसे शब्द है हिमालय, हिमालय में क्या है, देखिएगा हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो देखिएगा यहां पर क्या हुआ है, मां के अंदर जो स्वर था अ और यहां पर जो आ था अ और आ मिलकर के भी आ आदेश ही हुआ है यहां पर भी। अब देखिएगा जैसे विद्यार्थी शब्द है, तो इसका भी हम यदि संधि विच्छेद करें तो शब्द हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, तो यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर आ था, अध्याय के अंदर आ की मात्रा है और यहां पर आ था, दोनों स्वर आ और आ मिलकर के आ बन गया। और जैसे विद्यालय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पर भी होगा विद्या प्लस आलय, तो यहां पर भी आ और आ मिलकर के आ आदेश हुआ है। देखिएगा यहां पर जैसे अतीव है, आगे अब ई में आगे हम आ और आ के लिख दिए उदाहरण हमने, अब ये ई में आगे है। ई में देखिएगा ई में भी यही है, यदि ई के बाद में
छोटा ई आए तो भी दीर्घ, इसी प्रकार से ई के बाद में यदि बड़ा ई आए तो भी बड़ा ई आदेश, बड़े ई के बाद में छोटा ई आए तो भी बड़ा ई आदेश, बड़े ई के बाद बड़ा ई आए तो भी बड़ा ई आदेश होता है। किस प्रकार से देखिएगा, इसका संधि विच्छेद है जैसे अति प्लस इव, अति प्लस इव है। अब देखिएगा अति में ता के अंदर कौन सा स्वर है, ई है, तो देखिएगा हमने इसका पूरा वर्ण विच्छेद कर लेते, अतमा ता के अंदर ई है प्लस, अब ई है इसके बाद में और वह है, तो हमेशा देखिएगा तोड़ मरोड़ किस में होती है, प्लस से पहले और प्लस से बाद में होती है, तो यहां पर भी प्लस से पहले छोटा ही था और यहां पर भी प्लस के बाद में भी छोटा ही है, तो मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा ही। तो देखिएगा अत ता आधा था प्लस बड़ा ही है और प्लस वह। अब देखिएगा जो आधा ता आधा है इसके अंदर जब बड़ा ही जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ता बड़ा ही की मात्रा हो जाएगी और शब्द बन गया अति वह। तो यह इस प्रकार से हो गया अति वह। अब देखिएगा अति वह से आगे यदि हम मुनीष शब्द का लिखें, यहां पर लिख रहा हूं मैं मुनीष का, मुनीष शब्द क्या का क्या होता है, देखिएगा मुनि प्लस ईश, मुनि प्लस ईश। अब देखिएगा मुनि प्लस ईश में यहां पर न के अंदर किसकी मात्रा है, छोटे ई की मात्रा है और यहां पर बड़े ई की है, तो यहां पर ई छोटा ई और बड़ा ई मिलकर के भी क्या बना है, बड़ा ई। अब देखिएगा महती इच्छा, महती इच्छा, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, महती प्लस इच्छा, तो यहां पर देखिएगा बड़ा ई और छोटा ई मिलकर के क्या आदेश हो जाएगा भाई, प्लस से पहले तो बड़ा ई और उसके बाद में छोटा ई है, तो बड़ा ई मिलकर के बन गया बड़ा ई। अब देखिएगा यह जैसे श्रीश है तो श्रीशाह का भी संधि विच्छेद हो जाएगा, श्री प्लस ईशा। अब देखिएगा श्री प्लस ईशा इत्युक्त के श्रह के अंदर बड़े की मात्रा और यहां पर भी बड़ा ई, बड़ा ई और बड़ा ई मिलकर के भी बड़ा ई होगा। तो ठीक इसी प्रकार से उ और उ में भी यही होगा और री में भी यही होगा। देखिएगा उ और उ का जैसे हम उदाहरण लिखे, गुरु प्लस गुरुपदेश, ठीक है। अब हम इसका यदि संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, यहां पर भी ऊ और ऊ मिलकर के छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया है। जैसे देखिएगा उदाहरणार्थ हमारे पास में शब्द है वधुत्सव, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर वधुत्सव में क्या है, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो यहां पर धा के अंदर ऊ की मात्रा थी और यहां पर भी ऊ है, ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया, यह शब्द बन गया वधुत्सव। जैसे लघुर्मी है, लघु प्लस उर्मी, अब देखिएगा लघु में छोटे ऊ की मात्रा है और यहां पर ऊ में बड़े ऊ की मात्रा है, यह मिलकर के भी शब्द बन जाएगा लघुर्मी, लघुर्मी यह शब्द बन गया। अब देखिएगा इसी प्रकार से हमारे पास में है री और बड़ा री, जैसे देखिएगा री और बड़े री का क्या होगा, री और बड़े री का मैं आपके सामने बता देता हूं। जैसे शब्द है पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, अब देखिएगा पितृ में ता के अंदर कौन सा स्वर है, पी ता, ता के अंदर स्वर है री और उसके बाद में भी स्वर आया है री। अब देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, तो मिलकर के ये री और री मिलकर के हो जाएगा बड़ा री। अब देखिएगा पी ता, ता के अंदर बड़े री की मात्रा जोड़नी, हमें री भी एक स्वर है और फिर आगे नम है, तो यदि री के अंदर बड़े री की मात्रा जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा पीता और ता के नीचे बड़े री की मात्रा इस प्रकार से होती है पितृणम। जैसे मातृ प्लस ऋणम हो जाएगा, शब्द होगा मातृ प्लस ऋणम, अब देखिएगा इसमें भी यही होगा, री और री मिलकर के बड़ा री हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह है हमारी दीर्घ स्वर संधि, सबसे पहली संधि है, एकदम सरल संधि है। आज इसके आपको उदाहरण लिखने हैं 30, अधिक से अधिक जब आप उदाहरण लिखोगे, अधिक से अधिक अभ्यास करोगे तो आपकी संधि सरल होगी। नियम यह है, आप संधि इस प्रकार से पहचान पाओगे और आपको संधि अधिक से अधिक आपको संधि का उदाहरण लिखना है, अधिक से अधिक अभ्यास करना है। धन्यवाद।